नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। साथियों, आज यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का पहला दिन है और आज सम्मिलित हुए सभी छात्रों को मेरी बधाई व शुभकामना है। साथियों, मैं आज बात करूंगा परीक्षा के संबंधित ही, एग्जाम फोबिया की, फियर ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जाम फोबिया या परीक्षा का डर जिसको बोलते हैं। बहुत छात्रों को यह डर का सामना करना पड़ता है। ये सामान्यता कॉमन सी बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही कारगर हैं। मैं आज आपको टॉप 10 रेमेडीज के बारे में बताऊंगा, जिनको आप लेकर इस एग्जामिनेशन फियर से बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर आप परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, आपका समय बहुत ही कीमती है, आप अपने समय का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। किसी भी परेशानी का अगर सामना कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, मैं आपका समय ज़्यादा व्यतीत न करते हुए बताऊंगा टॉप ऐसी 10 दवाओं के बारे में जिनका प्रयोग करके आप परीक्षा में अच्छे परिणाम ला सकते हैं। ये होम्योपैथिक दवाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से एकोनाइट ने प्लस 200 cc उन लोगों के लिए कारगर है जो किसी भी चीज़ से अचानक से डर उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम की बात हो, कोई भी बात हो, किसी भी चीज़ की वजह से अचानक से डर जाते हैं, उनकी धड़कन बढ़ जाती है, मुंह और गला सूखने लगता है, प्यास बढ़ जाती है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं या किसी भी तरह से। ऐसे कंडीशन में एकोनाइट की 2 बूंदें जुबान पे लें या थोड़े से पानी में डाल के पिलाएं, या खुद जिसको ऐसा डर महसूस हो रहा है पिए। 5 मिनट के अंतराल पे दवा का 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, सारा डर समाप्त हो जाएगा। इसका और भी उपयोग है, लेकिन आज और न बता करके मैं परीक्षा संबंधित दवाओं के बारे में बताऊंगा। दूसरी दवा है जलसीमियम। बहुत ही एग्जामिनेशन फ्रियर के लिए टॉप रेमेडी है जलसीमियम। आप जलसीमियम को उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिनको भीड़ भाड़ में जाने से डर लगता है, जहाँ 2-4-10 लोग रहते हैं वहाँ बोलने से डर लगता है, बेचैनी आने लगती है और पढ़ाई करते समय ज़्यादा नींद आती है। ऐसे कंडीशन में जलसीमियम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप जलसीमियम की 2-4 बूंदें सुबह शाम प्रयोग करें और उबासी, नींद, थकान, इन सबसे आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगा। तीसरी दवा है आर्सेनिक एल्बम, जो कि बहुत ही फेमस रहा है। आर्सेनिक एल्बम जो है, आदमी ज़्यादा बेचैन हो, नींद नहीं आ रहा हो, उसको अंधेरे से डर लगता हो, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही कारगर है। इसकी 2-3 बूंदें आप पूरे एग्जाम समय तक उपयोग कर सकते हैं, सुबह शाम बढ़िया लाभ होगा। अगली दवा है इग्नेशिया। पहले से किसी भी प्रकार के दुख से ग्रसित लोग, जब एग्जाम का समय आता है, ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र जो अचानक से उनमें बदलाव आ जाता है, हंसने वाली बात पर रोने लगते हैं, रोने वाली बात पर हंसने लगते हैं, परेशान से रहते हैं, जहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए मन नहीं लगता है, तो ऐसे लोगों को जो है अगर इग्नेशिया सुबह शाम प्रयोग करें तो बढ़िया लाभ होगा। इसके बाद से एक दवा आती है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम बहुत ही टॉप रेमेडी है एग्जामिनेशन फियर के लिए, फॉरगेटफुलनेस के लिए, जिसको जो है हमेशा से आदत है, सब कुछ याद रहता है लेकिन अचानक से सब भूल जाता है, भूलने की प्रवृत्ति आती है, एग्जाम के समय भूलने की स्पेशली प्रवृत्ति आती है। ऐसे लोगों के लिए एनाकार्डियम बहुत ही अच्छी है दवा है। आप इसको जो है 200 पावर में लेकर के और सुबह शाम 2-2 बूंद पिए, आपकी भूलने की बीमारी जो है काफ़ी हद तक दूर रहेगी और आपकी परीक्षा में बढ़िया परिणाम आएंगे। और अगली दवा है लाइकोपोडियम।
मित्रों ये लाइकोपोडियम बहुत ही कारगर दवा है ऐसे लोगों के लिए जिनको या तो भूख बिल्कुल नहीं लगती है या बहुत ज़्यादा भूख लगता है, थकान ज़्यादा होता है, जो ऐसे लोग जिनकी प्रवृत्ति है कि बहुत ही किसी भी काम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हैं या अच्छे से तैयार होते हैं, दो दिन एक दिन पहले से तैयारी करते हैं, तैयार होते हैं, लेकिन फिर भी उनको डर लगता है, तो ऐसे लोगों को जो है लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी दवा है, इसको भी आप सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं। अगली दवा है साथियों एथुजा साइनोबियम। आप परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा स्थल पर पहुंचने से पहले या जाने से पहले ही आपको उल्टियां आने लगती हैं, एक डर बैठ जाता है, उसी डर से आपको उल्टियां आने लगती हैं, बेचैन हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ऐसे कंडीशन में एथुजा तुरंत आपको लाभ देता है। अगली दवा है अर्जेंटम नाइट्रिकम। साथियों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहीं भी जाने के लिए तैयार होंगे, उस कंडीशन में जब वेल ड्रेस्ड हो जाएंगे, पूरे अच्छे से कपड़े पहन लेंगे, रेडी हो जाएंगे, अब जाने के जब टाइम आएगी तो उनको पेट में मोशन आएगा, गुड़गुड़ होने लगेगी, मरोड़ होने लगेगा और लगेगा कि अब मुझे शौच जाना चाहिए। ऐसे अगर आपको होता है एग्जाम जाते समय या कहीं भी जाते समय, स्पेशली एग्जाम के समय भी कुछ लोगों को होता है जो कि मेंटल फियर की वजह से होता है, तो ऐसे कंडीशन अगर आपके साथ होते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पावर में लीजिए और सुबह शाम दो दो बूंद प्रयोग करिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे आपको। 2 से 3 दिन में सारी समस्या आपकी हल हो जाएगी और आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद से जिस दवा के बारे में हम बताने जा रहे हैं साथियों, उसको हम नर्व टॉनिक बोलते हैं, ब्रेन टॉनिक बोलते हैं, जो कि आपके दिमाग को काफ़ी मजबूत और तेज करता है। वो दवा है काली फास्फोरिकम 6x, कैलियम फास्फोरिकम 6x का प्रयोग आप 4-4 गोली 3 टाइम पूरे एग्जाम समय में कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपको जो है पढ़ने में मन नहीं लगता है, ज़्यादा थकान रहता है, थोड़ी देर पढ़ते हैं 5-10 मिनट पढ़ते हैं उबासी आने लगती है, थकान लगता है, ऐसा लगता है कि अब हम पढ़ नहीं सकते, मन नहीं लग रहा है, ऐसे कंडीशन में जो है हल्के से गुनगुने पानी में कैलीफॉस की 4-4 गोली लें, 3 टाइम लें, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। और बहुत सारी दवाएं हैं लेकिन ये सब दवाएं जो है बहुत ही कारगर हैं भूलने के लिए। प्रवृत्ति अगर है, ब्रेन कमज़ोर है, तो स्ट्रामोनियम, जिंकोवा बिलोबा, पल्सेटिला, अन्य बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन जो मुख्य दवाएं मैंने बताया इन सब दवाओं का प्रयोग करके और बहुत बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं, जो कि आपके परीक्षा परिणाम में भी मदद करेगा। इन्हीं सब बातों के साथ साथ आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः सभी शामिल हो रहे छात्रों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएँ, आप अच्छे अंक लाएँ और बेहतर प्रदर्शन करें, अपने परिवार और इस देश का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद।